एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। विज्ञान कक्षा 10वीं जो आपका मासिक टेस्ट है जुलाई महीने का, उसके क्वेश्चंस के आंसर बताने वाला हूं। तो आप ध्यान से देखिएगा एक एक क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, ये आपके टेस्ट में आ जाएगा, ठीक है? तो जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उनको ऊष्मा शोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी कहते हैं। ऊष्मा का अवशोषण करने वाले क्या कहलाते हैं? ऊष्मा शोषी कहलाते हैं, ठीक। फिर भोजन नली का कौन सा भाग यकृत में पित्तरस प्राप्त करता है? तो हो जाएगा यहाँ पे आपका छोटी आंत। क्या हो जाएगा आपका? छोटी आंत हो जाएगा, ठीक। तीसरा आता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे किस भाग में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे के पत्ती में होती है। कहाँ होती है? पत्ती में होती है। किसी परितंत्र के घटक हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। या तो लोहे की वस्तुओं को से बचाने के लिए उस पर हम पिंड करते हैं संक्षारण से, किससे बचाने के लिए? संक्षारण हो जाएगा, संक्षारण हो जाएगा, ठीक है। वर्षा के पानी को एकत्रित करना व इसे उपयोग में लाना कहलाता है, तो वर्षा जल संग्रहण क्या कहलाता है? वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण, ठीक है। ओजोन परत को हानि पहुंचाने रसायन सी एफ सी क्लोरोफ्लोरो कार्बन हो जाएगा, ठीक है। मानव उष्ण तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा पहले में? नेफ्रॉन, ठीक है। चलिए, मनुष्य में मस्तिष्क को मेरुरज्जु मिलकर कौन सी तंत्रिका तंत्र बनाते हैं? तो केंद्रीय तंत्र। क्या बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। अब चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसके जल्दी से उत्तर सहित, ठीक है। विस्थापन द्वि विस्थापन में अंतर आपको कर लेना है, ठीक है। क्या करना है आपको? विस्थापन और द्वि विस्थापन में अंतर कर लेना है ना, कोई भी आप दो अंतर याद कर लीजिएगा। फिर वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम आयन को साफ क्यों किया जाता है? इसे आप कर लेंगे, ठीक है ना। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम आयन को साफ क्यों किया जाता है, ठीक है, आप ये वाला कर लीजिएगा। इसके बाद आता है एटीपी का पूरा नाम, इसके ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं, ठीक है। एटीपी पूरा नाम इसे आप कर लेंगे। इसके बाद आता है आपका जाइलम और फ्लोएम में अंतर, जाइलम और फ्लोएम में अंतर आपको कर लेना है। फिर तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन का चित्र बना देना है आपको। चार पादप हार्मोन के कार्य लिखने, ठीक है ना, आपको इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, बढ़िया से, है ना। फिर प्रतिवर्ती क्रिया वाला, ठीक है, इसे आप कर लेना है। इसके बाद अंतः स्त्रावी, है ना, चार ठो कितनी याद करेंगे आप? चार लिखेंगे, कोई भी चार आप कर सकते हैं, है ना, बढ़िया से इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। यही आपके पेपर में आएगा।